feathered joint with separation of less than 1 mm, facing 300 mm. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने की आ रही है। वेरी गुड जी, बाकी लोगों का आंसर आ गया 10। साले यू आर राइट, आसिफ 20 वैल्यू नहीं है, 10 है। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है? फैक्टर नंबर 4 क्या है? जी बच्चे, फैक्टर नंबर 4 क्या है? कंडीशन ऑफ जॉइंट, कंडीशन ऑफ जॉइंट की रेटिंग क्या आ रही है यहाँ पे? क्या डेटा गिवन है कंडीशन ऑफ जॉइंट के लिए? जी कंडीशन ऑफ जॉइंट 20 कैसे आई? कंडीशन यही है ना, स्लाइटली रफ एंड स्लाइटली वेदर्ड। Slightly rough and slightly weathered. Rating 20. इसकी रेटिंग 20 है, सही? Slightly rough और slightly weathered की रेटिंग है 20। ठीक है, वेरी नाइस, वेन ऑफ वेरी गुड। आगे आगे क्या है? टनलिंग कंडीशन आर वेट, फैक्टर 4 है, फैक्टर 5 है, आई डोंट नो, ग्राउंड टनलिंग कंडीशन आर वेट। वेट के लिए रेटिंग क्या आ रही है? ठीक है, सही है। कौन सा फैक्टर है? लास्ट फैक्टर बाउंड लास्ट लास्ट फैक्टर कौन सा है? बिल्कुल आखिरी फैक्टर, फैक्टर कौन सा है? वेट कंडीशन में, ठीक है। वेट कंडीशन की रेटिंग, ऑन रोड की रेटिंग 7 आपने निकाली। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है जो शुरू में देखें, अ टनल इज टू बी ड्रिवन टू स्लाइटली वेदर्ड ग्रेनाइट विद अ डोमिनेंट जॉइंट सेट डिपिंग एट 60 डिग्रीज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैक। ये है ना ओरिएंटेशन, तो यहां से ही पता चल रही है ना आपको जॉइंट की और टनल की ओरिएंटेशन में क्या फर्क है। कह रहा है वो डिप कर रहा है जॉइंट 60 डिग्री के ऊपर और उसकी डायरेक्शन है अगेंस्ट द ड्राइव। तो ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, अगेंस्ट द ड्राइव और विद द ड्राइव, मेरे ख्याल है मैंने आपको नहीं बताई, शायद आई डोंट नो बताई थी। टनलिंग आप कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन में जॉइंट अगेंस्ट द ड्राइव है, यानी कि जॉइंट किस तरह डिप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके जॉइंट की डिप डायरेक्शन इस तरफ है, डिप को ऑपोजिट कर रहे हैं आपके, आप जा रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं और जॉइंट ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिपिंग अगेंस्ट द ड्राइव। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास?
इसी की दूसरी फॉर्म है जिसमें हम कहते हैं डिपिंग विद द ड्राइव, सही है, डिपिंग विद द ड्राइव और डिपिंग अगेंस्ट द ड्राइव। ये डिप करिए विद द ड्राइव, जिस तरफ टर्निंग करें उसी तरफ रॉक डिप भी करिए, रॉक भी इसी तरफ जा रही है और टनल भी इस तरफ जा रही है, दोनों एक तरफ एक डायरेक्शन, फेयर कंडीशन है। अब्दुल्ला वेरी नाइस, कैसे पता चला अब्दुल्ला, ये जरा एक्सप्लेन करें। अब्दुल्ला अनम्यूट करूं आपको, हैंड रेज करें जरा आप। अनम्यूट करें और बताएं जरा, सबको बताएं आपने कैसे फाइंड आउट किया। सर टेबल वैल्यू में डिपिंग की 60 दी हुई है, तो सर टेबल में वैल्यू उससे देख के बताया। दी है लेकिन एयर का कैसे पता चला, टेबल भी है वैल्यू, मुझे नहीं समझ आ रही। फेयर गिवन है सर उस वैल्यू। नहीं ये सिर्फ 60 से तो नहीं पता चलेगा ना आपको, 60 तो दी है वो मुझे समझ आ गई, लेकिन अगर आप देखें ना टेबल के दूसरी साइड पे भी 60 दी है, 60 दो तीन जगह पे दी है ना, फेयर के लिए भी और अनफेयर के लिए भी, दोनों दोनों केसेस में आ रही है। 20 से 45 आपने 60 में दिया, तो ये 60 जी अगेंस्ट है ना सर, यानी जो यानी डिप अगेंस्ट जो डायरेक्शन है वो यानी उसने कंडीशन दी हुई है, तो उसी कंडीशन को देख के यानी डिप अगेंस्ट द डिप है, ठीक है ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, वो ही ना ठीक अगेंस्ट। यस सर है चले, ठीक है अगर किसी को समझ ना आई हो ये बताएं मुझे, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी मैं क्विकली इस एग्जांपल के ऊपर से गो ओवर करूंगा। टोटल आंसर 59, अमानुल्ला आपका 59 आंसर है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में कोई एक आंसर नहीं आता, ठीक इस क्वेश्चन में रॉकमैन क्लासिफिकेशन में हर एक आंसर सेम नहीं आएगा, सही है, हर एक की अपनी रीडिंग है, हर एक की अपनी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो सेम नहीं आएगा। अब हम उसको देखते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह आए ना, कि इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, सॉरी, तो आपने सबसे पहले हाईलाइट करना है डेटा कौन कौन सा अवेलेबल है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, स्लाइटली वेदर्ड ग्रेनाइट डोमिनेंट जॉइंट एट डिपिंग एट 60 डिग्रीज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ ड्राइव, सही है। तो मैं सारा डेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो जो डेटा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वंस ये हो, आपने इसका देखना है पॉइंट लोड के लिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन होता है पॉइंट लोड या यूपीएस, ठीक है, 6 फैक्टर्स हैं हमारे पास, छह के छह आइटम्स के हमने इसके ऊपर एक टेबल सा बना लिया। वन पे पॉइंट लोड, टू पे आरक्यूटी, थ्री पे स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फोर पे कंटिन्यूस कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइव पे ग्राउंड वाटर, सिक्स पे एडजस्टमेंट, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज इसकी गिवन है, जो डाटा गिवन है वो लिखने हैं। 8 मेगापास्कल 70% 100 mm, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इसके लिए आपके पास अगर जगह हो आप पूरी एक्सप्लेनेशन लिखें, नहीं तो नोट यहाँ पर लिखें नोट क्या है, ठीक है। नोट 1 और ग्राउंड वाटर कंडीशन जो है वो वेट है, और फिर एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो नोट 2 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 6 फैक्टर से पूरे होते हैं। इनकी रेटिंग क्या है, रेटिंग के लिए आपको टेबल देखना होता है, ठीक है। टेबल अगर आप देखें, इस तरह का टेबल है कि 5 फैक्टर्स हैं, पहले 5 के ग्राउंड वाटर तक के फैक्टर्स के आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं। पॉइंट लोड की वैल्यू 8 मेगापास्कल, ठीक है, तो 8 के लिए आपके पास टेबल है, टेबल में आप देख सकते हैं 8 कहाँ पे आ रहा है, है 8 आपके पास कहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हैं, 11 8 आपके पास, ठीक है। आपकी रेटिंग आ जाएगी 12, रेटिंग आ जाएगी 12, वैसे ही है, ठीक है। क्या आरक्यूडी कितनी है आपके पास, आरक्यूडी है 52।